एनडी गठबंधन के सीट शेयरिंग फॉर्मूले से दीदी का इनकार। घोषित कर दिए टीएमसी के 42 उम्मीदवार। बोली बंगाल दिखाएगा देश को रास्ता। एकला चलो का नारा, नहीं किसी से वास्ता। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का एक वाक्य जो हम अक्सर उनके किस्से कहानियों में सुनते हैं वो है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये वाक्य उनके झांसी से प्रेम और पराक्रम का परिचायक है। वहीं बंगाल के ही रविंद्रनाथ का देशभक्ति गीत एकला चलो रे। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। अब आप भी सोच रहे होंगे कि मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ और आखिर इन बातों का तारतम्य क्या है। मैं जो कह रहा हूँ आपको उसका मतलब और तारतम्य दोनों समझ आ जाएंगे। इसके लिए हमें चलना होगा पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित ब्रिगेड परेड ग्राउंड में, जहाँ टीएमसी की जनसभा में ममता बनर्जी आम जनमानस को संबोधित कर रही थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। एक नतून जिनिस देखते पाबेन, 42টা কনস্টিটিউয়েন্সিতে 42টা ক্যান্ডিডেট নিয়ে আমি এই র‍্যাম্পে হাঁটব। অর্থাৎ এই জিনিস আগে আপনারা কখনো দেখেননি, অপেক্ষা করুন তার জন্য। আমি প্রথমেই বলব, उनके भाषण का मजमून ये कि उन्होंने कहा, मैं आज बंगाल के 42 लोकसभा सीटों के लिए तृणमूल के 42 उम्मीदवारों को सामने लेकर आऊंगी। 42 लोकसभा सीटों पर टीएमसी उम्मीदवारों का ऐलान ये बताता है कि मानो ममता बनर्जी कह रही हो कि किसी भी पार्टी से पश्चिम बंगाल की सीट शेयर नहीं करूंगी। उन्होंने इस चुनाव में एकला चलो की रणनीति पर चलना शुरू कर दिया है। इस संबंध में उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा, आप भी सुनिए। তৃণমূল ভার্সেস বিজেপি, এখানে কংগ্রেস সিপিএম ওদের সাথে লড়াই চলবে। তৃণমূল কংগ্রেস এখানে বাংলায় একা লড়বে, আসামেও লড়বে, ইউপিতেও লড়বে। একটা সিটে অখিলেশের সাথে কথা হয়েছে, মেঘালয় আমরা বিরোধী দল, মেঘালয় তো লড়ব। আর দেশ কোন পথে চলবে তৃণমূল কংগ্রেস ঠিক করবে, বেঙ্গল ঠিক করবে, বাংলায় দিশা দেখাবে, বাংলায় পথ দেখাবে, বাংলায় রাস্তা দেখাবে। অনেকক্ষণ রৌদ্রে আপনারা অনেক কষ্ট করেছেন, আমি আর আমার টাইম না নিয়ে। পশ্চিম বঙ্গাল কি মুখ্যমন্ত্রী বনর্জি নে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড মে কাহা, পশ্চিম বঙ্গাল মে তৃণমূল কংগ্রেস অকেলে লড়েগি। দেশ কিস দিশা মে চলেগা ইয়ে বঙ্গাল তয় করেগা, বঙ্গাল হি দেশ কো রাস্তা দিখায়েগা। মমতা কে ইস ফ্যাসলে সে সাফ হো চলা হ্যায় कि उन्होंने इंडी गठबंधन के सीट शेयरिंग फॉर्मूले को सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं इस बीच ममता ने रामनवमी पर अवकाश की घोषणा कर हिंदू वोटर्स को रिझाने का भी प्रयास किया। अपनी जनसभा में ममता बनर्जी बीजेपी पर जमकर बरसी। वहीं अब ये बंगाल की जनता तय करेगी कि वो बंगाल से किसे लोकसभा का रास्ता दिखाएगी और किसे बाहर का। कांग्रेस से समझौता न होने के चलते अभ्यारामपुर लोकसभा क्षेत्र से टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान के सामने कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी होंगे। वहीं ऐसा अन्य लोकसभा सीटों पर भी देखने को मिलेगा जब जनता को एक साथ चलने का सपना दिखाने वाली पार्टी खुद ही आमने सामने नजर आएंगी। फिलहाल ममता के कदम से साफ जाहिर हो गया है कि वो बंगाल में किसी और पार्टी को अपने कंधे पर बैठाकर हुकूमत करने का अधिकार कतई देने के मूड में नहीं है। बात अगर वोटर्स की करें तो राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इससे कांग्रेस और टीएमसी दोनों को ही नुकसान होंगे। कांग्रेस और टीएमसी के वोट बंटने से फायदा बीजेपी को पहुंच सकता है। ऐसी ही अन्य राजनीतिक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हिंदी खबर।